स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 11वीं जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, इसके पहले अभी हमने इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत बहुत सारे संघों के जंतुओं का वर्गीकरण का अध्ययन किया था, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं संघ मोलस्का। पहला संघ हम पढ़ेंगे इसमें मोलस्का, इसके जस्ट बाद संघ इकाइनोडर्मेटा, तथा तीसरे नंबर पर संघ हेमिकार्डेटा। अब इनकी क्या विशेषताएं हैं, इनके क्या फीचर्स हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहला है संघ मोलस्का। मोलस्का अर्थात सॉफ्ट, मोलस्कस का अर्थ होता है लैटिन भाषा में सॉफ्ट, यानी जितने भी कोमल शरीर वाले प्राणी हैं उसका संघ मोलस्का कहलाता है। जातियों की संख्या की दृष्टि से आर्थ्रोपोडा के बाद यह दूसरे स्थान पर आता है, यानी इसमें जीव जातियों की संख्या अत्यधिक है। इस संघ के जंतुओं का जो शरीर होता है वह त्वचा के एक पतले आवरण से घिरा रहता है, जिसे प्रवार या मेंटल कहते हैं। अधिकांश प्राणियों में यह प्रवार अपने बाहर की तरफ कवच का श्रावण करता है, मतलब इनका जो बॉडी रहती है किसी भी एनिमल मोलस्क की, उसके ऊपर एक पतला आवरण रहता है जिसको मेंटल कहा जाता है, इसके ऊपर ये कवच का निर्माण करते हैं। सामान्य लक्षण अगर हम देखें तो इनका शरीर कोमल, शरीर का जो संगठन है वो ऑर्गन लेवल अर्थात अंग तंत्र स्तर का, और शरीर ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय होता है, खंड विहीन यानी सेगमेंटेड नहीं रहता है जैसे मोनोफ्लेकोफेरा को छोड़कर। मूलतः द्विपार्श्व सममित यानी बाइलेटरली सिमेट्री पाई जाती है, किंतु अन्य सदस्यों में टॉर्जन के कारण कुंडलित यानी कुछ कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर भी रहते हैं, या कभी कभी वो असममित भी रहते हैं। शरीर के चारों ओर देहभित्ति के वलय रिंग से बलन पाए जाते हैं, जैसे हम शंख वगैरह में देखते हैं। कवच प्रायः शरीर के बाहर परंतु कुछ में शरीर के अंदर पाया जाता है। सोलोम न्यूनीकृत मूलतया हृदयावरणी गुहा यानी पेरिकार्डियल कैविटी जननद गुहा एवं उत्सर्जी अंगों तक सीमित रहती है इसकी जो गुहा है। नेक्स्ट हम लक्षण देखें इसके। पाचन तंत्र पूर्ण यकृत अग्नाशय के रूप में पाचक ग्रंथि एवं भोजन चबाने के लिए रेडुला, मतलब टीथ ना पाकर के टीथ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं रेडुला, इस प्रकार से सेरेटेड स्ट्रक्चर। श्वसन अंग क्लोन या फुफ्फुस या दोनों होते हैं। परिवहन तंत्र बंद प्रकार का हृदय एवं रुधिर वाहिनियों से युक्त होता है। रुधिर जो होता है वो एक स्पेशल फीचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मोलस्क का, कि हीमोसाइनिन पिगमेंट के कारण कैसा दिखाई देता है, ब्लू अर्थात नीले रंग का रक्त पाया जाता है। उत्सर्जन अधिब्रक्कों के द्वारा मेटानेफ्रिडिया द्वारा पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र युग्मित गुच्छिकाओं गैंग्लियों के द्वारा होता है तथा इन्हें जोड़ने वाली तंत्रिकाओं का जाल निर्मित करता है। एक लिंगी या द्विलिंगी जनन वाहिनियों सहित एक या दो जननद गोनेट्स पाए जाते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, विदलन जो होता है स्पाइरल एवं निर्धारी होता है। नेक्स्ट देखें यदि हम, तो यहाँ पर इसके चित्र दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये पाइला का यानी स्नेल का चित्र है। ये यूनियो का है, ऊपर जो आप देख रहे हैं यूनियो का है। फिर ये डेंटेलियम है जिसको टस्क सेल कहा जाता है, हाथी दांत जैसे दिखाई देता है। इसके बाद ये ऑक्टोपस है, इसको डेविल फिश भी कहा जाता है क्योंकि ये समुद्री गोताखोरों को जकड़ लेता है। इसकी 8 आर्म्स रहती हैं, 8 भुजाओं के अंदर ये समुद्री गोताखोरों को जकड़ लेता है जिसको डेविल फिश भी कहा जाता है। तो ये है संघ मोलस्का के प्राणी। अब अगर हम देखें यूनियो या सिप्पी, जिसे कॉमन नाम आप रेत में पाया जाता है, समुद्री जीव है और जली जीव भी है, तो यहाँ पर इसका शरीर कठोर कवच से ढका हुआ है लेकिन इसके अंदर कोमल जीव उपस्थित रहता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये भी जान लीजिए आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं अलग अलग उसमें कैसे, जैसे शरीर सतह पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पंज तथा सीलेंट्रेट्स में पाए जाते हैं।
त्वचा के द्वारा रेस्पिरेशन किसमें होता है? एम्फीबियंस और एनिलिड्स में। गिल्स के द्वारा पाइला, यूनियो आदि मोलस्क, आर्थ्रोपोड, क्रस्टेशियंस तथा मछलियों में। बुक गिल्स जो होते हैं वो लिमुलस अथवा आर्थ्रोपोड्स में। ट्रेकिया, कीट, सेंटीपीड, मिलीपीड में। बुक लंग्स जो होते हैं वो एरेक्निक आर्थ्रोपोड जैसे बिच्छू या मकड़ियों में। और फुफ्फुस या लंग्स जो होते हैं वो अधिकतर टेट्रापॉड्स में पाए जाते हैं। ये एक सारणी मैंने आपको इसलिए दी है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। संघ एकाइनोडर्मेटा अर्थात शूल युक्त प्राणी। एकाइन यानी शूल, कंटक। इसको शूल युक्त प्राणी जितने होते हैं वो एकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आते हैं। इस संघ के प्राणियों में कैल्शियम युक्त कंकाल पाया जाता है, अतः इसको एकाइनोडर्मेटा कहते हैं। सभी समुद्रवासी हैं। इनका जो संगठन स्तर है वो अंगतंत्र स्तर का होता है। वयस्क एकाइनोडर्म अरी रूप से यानी रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं ये, जबकि लार्वा द्विपार्श्व सममित होता है। ये सभी त्रिकोर की अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर संगठन पाया जाता है। पाचन तंत्र पूर्ण होता है। मुख जो होता है वो अधर तल पर और मल द्वार जो होता है वो पृष्ठ तल पर। 2 तल होते हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल। तो अधर यानी वेंट्रल साइड पर मुख होता है, उसके जस्ट अपोजिट डॉर्सल तल पर मल द्वार पाया जाता है। जल संवहन तंत्र वॉटर सर्कुलेटरी सिस्टम इस संघ की विशेषता है, जो चलन, भोजन पकड़ने तथा श्वसन में सहायक होती है। स्पष्ट उत्सर्जन तंत्र का अभाव होता है। नर एवं मादा पृथक होते हैं। लैंगिक जनन पाया जाता है। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण एस्टेरियस अर्थात तारामीन, ये तारामीन है। समुद्री आर्चिन एकाइनस, एंटीडोन समुद्र लिली, कुकुमेरिया समुद्री कर्कटी तथा ओफियोरा भंगुर तारा, तो ये एकाइनोडर्मेटा के सदस्य हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम संघ हेमिकार्डेटा। अब क्या है, हम वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट, दोनों के बीच में कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे जो प्राणी है वो नॉन कॉर्डेटा से कॉर्डेटा की तरफ बढ़े, उसके बीच की जो कनेक्टिव लिंक कहलाती है वो कहलाती है संघ हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा पहले इसको कशेरुक संघ में रखा गया था उपसंघ के रूप में, लेकिन अब इसे इनवर्टिब्रेट्स के अंतर्गत रखा गया है। हेमिकॉर्डेटा के जो कॉलर क्षेत्र कहलाता है, जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें एक अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकार्ड, इसके अंदर एक स्टोमोकार्ड की संरचना भी पाई जाती है। ये लेबलिंग नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसमें जो कॉलर वाला पोर्शन है वहां पर स्टोमोकार्ड पाया जाता है, जो कि नोटोकार्ड या पृष्ठरज्जु के समान संरचना है। इस संघ के प्राणी कृमि के समान समुद्री जीव होते हैं, जिनका संगठन स्तर अगेन अंग तंत्र स्तर का होता है। द्विपार्श्व सममित होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोर की होते हैं। शरीर कैसा रहता है, बेलनाकार होता है, 3 भागों में बटा होता है, शुंड, कालर तथा लंबे वक्ष में बटा रहता है। पहला शुंड, ये ऊपर का पोर्शन जो शुंड है ये कॉलर है और ये नीचे का वक्ष पोर्शन है। श्वसन जो होता है वो गिल्स के द्वारा होता है। शुंड ग्रंथि इनके उत्सर्जी अंग कहलाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हेमिकार्डेट्स में उत्सर्जी अंग क्या कहलाते हैं? नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बाह्य होता है। परिवर्धन लार्वा अवस्था के रूप में अप्रत्यक्ष होता है। इसके उदाहरण है बेलनोग्लॉसिस तथा सैकोग्लॉसिस। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि हेमिकार्डेटा के सदस्यों के नाम बताइए। थैंक यू बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम कॉर्डेटा के बारे में अध्ययन करेंगे।